आप सभी को जोहार। आप लोग सब पलक पावड़े बिछाए बैठे होंगे कि आज 15 फरवरी 2022 को कुमार सन्यम द्वारा दाखिल मुकदमे में जो हाईकोर्ट के खंडपीठ में दर्ज सूचीबद्ध था उसमें क्या हुआ, ये जानने के लिए आप देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। और इसमें किसको फायदा किसको नुकसान हुआ या फिर एक नए विवादों को जन्म देगा, इन सारे बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इंडिवर फूडियो आप देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब देखिए, कुमार सन्यम ने 18 जनवरी 2022 को एकल पीठ द्वारा पारित आदेश को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दिया था। कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा में पीटीसी आरक्षण मामले में सुनवाई 24 को हुआ था। उसके बाद कुमार सन्यम ने प्रार्थना किया कि चूंकि ये रूल्स में आरक्षण का बात नहीं है, इसके बावजूद भी आरक्षण का लाभ देते हुए रिजल्ट निकाला। ये देखिए बैकग्राउंड है, इसी बेसिस पे उन्होंने केस दायर किया था। फिर जेपीएससी से सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने जवाब मांगा था कि पीटी में आरक्षण का लाभ दिया गया है या नहीं। 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में अगर आरक्षण का लाभ दिया गया तो समान कैटेगरी के कितने अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए, अन्य कैटेगरी जैसे एससी एसटी ओबीसी के कितने अभ्यर्थी कोटि बार सफल हुए हैं। पुनः कोर्ट ने कोटि बार कट ऑफ मार्क्स की जानकारी मांगी थी। फिर झारखंड हाईकोर्ट में 25 जनवरी को आरक्षण के लेके सुनवाई हुई थी हाईकोर्ट में। उसमें सुनवाई जैसे ही शुरू हुआ तो जेपीएससी ने अपनी गलती को मानते हुए 28 जनवरी 2022 से होने वाली 7वीं से 10वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को स्थगित कर दी। जैसा कि आप नोटिफिकेशन भी देख चुके होंगे अखबार में, जेपीएससी के वेबसाइट में। उसके बाद झारखंड लोक सेवा आयोग ने संशोधित पीटी परीक्षा प्रकाशित करने के लिए कोर्ट में एक अंतर्वर्ती आवेदन दाखिल किया, जिसको आईए पिटीशन बोलते हैं। उसके बाद अनुमति मांगा कि चूंकि गलती हम पिछले डेट में एडमिट कर लिए थे कि गलती हो गया है, तो हम फिर से पीटी का फ्रेश रिजल्ट जारी करना चाहते हैं। पूरी तैयारी जेपीएससी की तरफ से हो चुका है, जेपीएससी फिर से पीटी का रिजल्ट जारी करेगा। आज जब कोर्ट में सुनवाई हुआ तो कोर्ट ने रिजल्ट जारी करने की अनुमति दे दी। और क्योंकि आपको पता होगा कि इसमें कई चयनित अभ्यर्थी इसमें जब नए अभ्यर्थी आएंगे तो कुछ पुराने हो सकता है, इससे बाहर भी हो सकते हैं। देखिए अभी जो जेपीएससी के द्वारा बताया गया, आप लोग को ऑलरेडी मालूम होगा कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ अभी इस प्रकार का है कि जैसे सामान्य और ईबीसी जो है, ईबीसी 1 और बीसी 2, इन तीन के लिए 248 रखा गया है। और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास इनका 2 मार्क्स नीचे है, एससी का 242 और एसटी का 232 मार्क्स रखा गया है। जो कट ऑफ अगर कम किया जाता है तो छठे सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के तरह अतिरिक्त रिजल्ट निकालना पड़ सकता है। अगर जेपीएससी मैनेज करके अतिरिक्त रिजल्ट न जारी करे और मैक्सिमम मान लीजिए कि 15 गुना के आसपास, इक्विवेलेंट टू 15 गुना के आसपास अगर जेपीएससी रिजल्ट रखता है पीटी का, तो फिर कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन अगर रिजल्ट किसी कारण से 15 गुना से ज्यादा बढ़ जाता है, फिर कुछ लोग रूल 17(2) का उल्लंघन मानेंगे। इससे मामला क्या होगा और उलझेगा, क्योंकि यह जेपीएससी के अपने विज्ञापन नियमावली, जो विज्ञापन का शर्त निकाला था, उसी का उल्लंघन माना जाएगा। अब देखिए इससे क्या हो सकता है कि इससे विवाद नहीं घटे, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि अभ्यर्थी को अब यही विवाद को विराम देना चाहिए, नहीं तो फिर वैकेंसी छठे सिविल सेवा परीक्षा की तरह विवादास्पद हो जाएगा। डिटेल जानने के लिए कि और क्या क्या न्यायालय में विशेष हुआ, इसको जानने के लिए आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार करते रहिए। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आज जो केस सुनवाई के लिए श्री कुमार सन्यम के द्वारा केस खंडपीठ में सुनवाई हो रहा था, उस खंडपीठ के सुनवाई में जो डिसीजन था फ्रेश कट ऑफ जारी करने का, 22/ कट ऑफ को कम करते हुए रिजल्ट जारी करने का जो मंशा जताया, इस पे कुमार सन्यम के अधिवक्ता ने सहमति जताई और उन्हें लगा कि अब मेरा जो पर्पस था, काउज ऑफ एक्शन था, वो कंप्लीट हो गया। इसलिए उन्होंने केस को विड्रॉ कर लिया, न्यायालय के समक्ष प्रार्थना किया कि हम केस को विड्रॉ करना चाहते हैं, इसलिए न्यायालय उस के केस को डिसमिस कर दिया। अब देखिए कोटि बार जो कट ऑफ नया जारी किया और पुराना, एक बार हम लोग उसको तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि देखिए जनरल का कट ऑफ 12 मार्क्स नीचे आया और ईबीसी का
ईबीसी का BC1 BC2 बोल सकते हैं का कट ऑफ देखिए, पहले 252 था तो ये भी घट गया कितना, 4 मार्क्स ये भी घट गया। ईबीसी का देखिए प्रभाव ने पड़ा, ये देखिए आप हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इफेक्ट किस पे क्या पड़ा, प्रभाव क्या पड़ा, इनका -12 इसका 4। अब देखिए यहाँ से फिर समीकरण अलग आपको दिखेगा कि यहाँ एससी का जो कट ऑफ पहले 238 ये बढ़ के कितना हो गया, ये बढ़ के हो गया 242, इसमें क्या हुआ ये +4 हो गया, 4 नंबर इसका कट ऑफ बढ़ गया। और जो एससी का कट ऑफ था 232 का कट ऑफ 230 था, ये बढ़ के 232 हो गया, मतलब एससी का कट ऑफ 4 मार्क्स बढ़ा, एसटी का कट ऑफ 2 मार्क्स बढ़ा, बाकी जनरल का 12 मार्क्स घटा, ईबीसी सब का 4, और जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनका मार्क्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखिए आप कह सकते हैं कि ये अलग एक विवाद को जन्म देगा, अलग विवाद को जन्म दे सकता है, जैसा कि देखिए हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि झारखंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल्स है जो 15x17-2 का रूल में 15x रिक्तियों की संख्या का निकालना है रिजल्ट। अगर जेपीएससी 15x रिजल्ट जारी कर दिया 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी का तो बस ठीक है, लेकिन उस श्रेणी में जो अभी कोटि बार आरक्षण का बात हो रहा है यहाँ पे आके थोड़ा सा मुश्किल लगता है। क्यों मुश्किल लगता है, आप जब रूल को ध्यान से देखेंगे तो इसमें कैटेगरी वाइज रिजल्ट का भी प्रोविजन नहीं है। अब देखिए 17-2 का जो झारखंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल्स है उसमें ये भी है कि अगर 15x अभ्यर्थी नहीं होते हैं एसटी ओबीसी के तो उसमें क्या कर सकते हैं, कट ऑफ को 8% तक रिलैक्स किए होंगे। तो अगर अभी जो जेपीएससी कट ऑफ जारी करने वाला है, अभी जो जारी किया है कट ऑफ अभी अखबार में पब्लिश होने वाला है, उसमें भी अगर ये बैलेंस अगर 17-2 के हिसाब से 15x हर कोटि के उम्मीदवार, खास करके रिजर्व कोटि का हम बात कर रहे हैं, हर कोटि के एससी एसटी ओबीसी के अगर रहेंगे तो उसमें रिलैक्स करने का कोई जरूरत नहीं है तो रिलैक्स करेंगे। अगर इसके बाद भी कुछ लोग को ऐसा लगता है कि चूंकि रिजल्ट कोटि बार जारी नहीं होना चाहिए था, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, कुछ लोग इस पे विवाद कर सकते हैं। देखिए जैसा कि हम पहले भी बताए थे कि कोटि बार अगर रिजल्ट जारी किया जाता है तो 3780 15x प्लस उतने उम्मीदवार जितना कि 8% रिलैक्स करके आ जाएं सारे, जब सारे कैटेगरी के उम्मीदवार आ जाएंगे तो फिर इसमें कोई विवाद। तो चलिए इंडिवर फॉर यू आप दिख रहे हैं और इसमें और क्या क्या डिटेल, क्या बहस के मुद्दे हियरिंग के बीच में आए थे, इन सारे विषयों पर हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और हमें लगता है कि शायद अब विराम लग जाए, लेकिन देखिए विवाद तो एक फैसला होता है तो दूसरा पार्टी उससे क्षुब्ध होता है, एग्रीव्ड होता है कि हम न्यायालय के जो नए निर्णय हैं, हो सकता है जेपीएससी के जो नए निर्णय नया कट ऑफ जारी हो उससे हम संतुष्ट नहीं हो और फिर एक नया विवाद का जन्म हो जिसको मल्टीप्लिसिटी ऑफ पिटीशंस बोलते हैं। तो हो सकता है कि विवाद बढ़े, अगर विवाद ना बढ़े तो कैंडिडेट्स के लिए अच्छा है, अब तैयारी करके एक परीक्षा को अंजाम तक पहुंचने दिया जाए। वैसे बाकी हर कोई इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट है, क्या होगा क्या नहीं होगा उनके वजह से। थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस।